नीट यूजी काउंसलिंग राउंड 3 पंजीकरण शुरू। एनआईओएस के अक्टूबर सत्र परीक्षा की समय सारणी जारी। प्राइवेट स्टूडेंट्स माध्यमिक विद्यालय प्रमाण पत्र परीक्षा पंजीकरण शुरू। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं नीट यूजी काउंसलिंग राउंड 3 की। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी यानी एमसीसी नीट यूजी की काउंसलिंग के तीसरे राउंड के लिए पंजीकरण शुरू हो चुकी है। जिन उम्मीदवारों को राउंड 1 या 2 में सीटें आवंटित नहीं हुई थी वे आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर जाकर इस राउंड के लिए पंजीकरण 4 सितंबर तक कर सकते हैं। एमसीसी राउंड 3 के लिए सीट आवंटन परिणाम 8 सितंबर 2023 को जारी किए जाएंगे। एमसीसी पहले प्रोविजनल सीट आवंटन करेगा और उम्मीदवारों द्वारा प्रश्न भेजने के बाद अंतिम सीट आवंटन परिणाम जारी किया जाएगा। जिन लोगों को सीट आवंटित की जाएगी उन्हें 10 सितंबर 2023 से 18 सितंबर 2023 तक अपने संबंधित आवंटित कॉलेजों में रिपोर्ट करना होगा। अब हम बात करते हैं एनआईओएस के अक्टूबर सत्र परीक्षा की। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग यानी एनआईओएस ने अक्टूबर सत्र के लिए कक्षा 10 और कक्षा 12 की सैद्धांतिक व्यवहारिक परीक्षा 2023 की समय सारणी जारी कर दी है। उम्मीदवार अक्टूबर सत्र के लिए एनआईओएस समय सारणी आधिकारिक वेबसाइट nios.ac.in पर जाकर देख सकते हैं। परीक्षा का परिणाम परीक्षा की अंतिम तिथि के 7 सप्ताह बाद घोषित होने की संभावना है। प्राइवेट स्टूडेंट्स माध्यमिक विद्यालय प्रमाण पत्र परीक्षा पंजीकरण शुरू। सरकारी परीक्षा निदेशालय आंध्र प्रदेश ने व्यक्तिगत यानी प्राइवेट उम्मीदवारों के लिए माध्यमिक विद्यालय प्रमाण पत्र यानी APSSC परीक्षा के लिए पंजीकरण शुरू कर दी है। एक बार फेल हुए छात्र आधिकारिक वेबसाइट bsc.ap.gov.in के माध्यम से APSSC 2024 के लिए अपना पंजीकरण करा सकते हैं। दोस्तों यह तो थी आज के न्यूज बुलेटिन की प्रमुख खबरें और विस्तार। मैं हूं कुमार विजेंद्र। आप शिक्षा जगत की हर हलचल से अपडेट रहने के लिए अपने विद्या लाइफ को तुरंत लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर ले और हाँ बेल आइकन को दबाना नहीं भूले। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो हमें विद्या लाइफ की ऑफिशियल ईमेल आईडी info@vidyalife.com पर लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।